वापस एक बार बेनक्यू ने भेजे काफी खतरनाक वाले लर्निंग एंड वर्किंग प्रोडक्ट्स, उसमें से पहला वाला है ये 27 इंच का बेनक्यू मॉनिटर एंड दूसरा ये काफी यूनिक सा स्क्रीन बार है जो कि मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगा। इसको हम लोग देखेंगे आगे, पहले इस मॉनिटर को ओपन करता हूं। ये गाइस एक 27 इंच का मॉनिटर यार, खतरनाक दिख रहा है। इसका पहले स्टैंड लगा लेता हूं मैं। गाइस एक खतरनाक फीचर इस मॉनिटर का वो है ये टाइप सी वाला है। तो यार ये टाइप सी के केबल से मैं अपने मैकबुक को कनेक्ट करने वाला हूँ अभी इसको, एंड अभी यही टाइप सी के केबल से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओ भाई गाइस, एक टाइप सी के केबल की वजह से ना ये लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसके साथ टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ 60 वाट की पावर डिलीवरी भी ये देता है। मैं ना अपनी वीडियो चला के देखने वाला अभी इस पे, ये अपनी वीडियो में देख रहा हूँ इस वाले मॉनिटर पे, और मैंने जस्ट नोटिस किया भाई बेजल्स एकदम कम है इसके, एंड डिजाइन भी खतरनाक वाला अर्गोनॉमिक है। एंड एक और चीज़ है कि हम लोग इसका टिल्ट भी चेंज कर सकते हैं, इवन हाइट भी चेंज कर सकते हैं, लाइक जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओ भाई सीरियसली एकदम स्मूथली होता है ये चीज़, ये ज़्यादा खतरनाक लगा मुझे। तो आपको जैसा भी कंफर्टेबल है आप इसको वैसे रख सकते हो। गाइस इस वाले मॉनिटर में ना काफी सारे मोड्स है, उसमें से सबसे पहला मैं कोडिंग मोड आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग कोडिंग मोड में हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कलर्स होते हैं कोडर्स को जिनकी जरूरत पड़ती है, मोस्टली कलर्स इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं ये वाले मोड में, और कोडिंग के लिए यार इसका फायदा हो जाता है। आप में से कुछ लोग बताओ नीचे मुझे कि ये कौन सा कोड है, लाइक किस चीज का कोड है, जो कोडर से वो बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। Yes. एक और मोड आता है गाइस केयर मोड, जिससे यार की ब्राइटनेस वगैरह अच्छे से एडजस्ट हो जाती है, एंड आंखों के लिए ये देखने के लिए इजी पड़ जाता है। इवन जो सैचुरेशन है वो भी कम हो जाता है केयर मोड में, आंखों के लिए अच्छा हो जाता है वो। अगर आप रीडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे एक मोड आता है स्पेसिफिकली रीडिंग मोड, आप तुरंत ही इसमें यार डिफरेंस देख सकते हो कोडिंग एंड रीडिंग का, तुरंत समझ जाएगा यार पूरा का पूरा हो गया ये ऑरेंजिस, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है कि ब्लू लाइट जो होती है वो हार्मफुल होती है अपनी आंखों के लिए। तो रीडिंग मोड में ये क्या कर देता है कि भाई ब्लू लाइट को काफ़ी हटाया जाता है, जिससे रीडिंग ईजी हो जाती है। भाई ये मुझे पता नहीं ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली बोलता हूँ। इसके बाद आता है गाइस ई पेपर मोड, जिसमें यहाँ सब कुछ हो जाता है ब्लैक एंड वाइट। गाइस ये देखो सब कुछ इसमें अभी ब्लैक एंड वाइट हो गया, जो कि ई बुक वाला फील देता है एकदम, आपको ई बुक्स पढ़ने हैं तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। सब कुछ देखो ये साइड का ब्लैक एंड वाइट हो गया है ई बुक वाला फील देने के लिए। इस वाले मॉनिटर में एक अलग सा फीचर है, वो है ये नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, जो कि अभी यार चालू है। देखो माइक्रोफोन बंद भी कर सकते हो आप, लाल लाइट हो जाएगी, इसको आपस से चालू कर सकते हैं ऐसे। गाइस ये देखो मैंने लगाया कॉल विकास को, फेस टाइम किया है, चल बिजनेस मीटिंग करते हैं, एकदम ऐसा वर्क वाला मीटिंग करते हैं, बोल तू लाइक कर तो बिजनेस बैठ जाएगा भाई। देखो आपने सुन लिया गाइस, गाइस बेनक्यू का एक सॉफ्टवेयर आता है बेनक्यू आई केयर यू, इससे यार आई केयर जो टेक्नोलॉजी है वो और भी फर्दर एनहांस्ड हो जाती है। ये वैसे भी मॉनिटर एक आई केयर वाला मॉनिटर है, ये देखो इन्होंने लिखा है ब्लू लाइट 17% कम कर दी गई है, यहाँ पे देखो लाइट रिमाइंडर भी है, देखो ये आपको रिमाइंड भी करेगा कि यार तुम लोग ज़्यादा देख रहे हो, तो टाइम टू टाइम रिमाइंड कर सकता है, एवरी 30 मिनट्स आपको थोड़ा दूर देखना चाहिए। यही आप जो मोड्स है ना यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक ई पेपर मोड आपको चाहिए तो यहीं से सिलेक्ट हो जाएगा, ये लो लाइट मोड भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें देखो ब्लू लाइट और भी कम हो जाती है। ये वाले मॉनिटर में गाइस ब्राइटनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि यार रूम लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता है। नॉर्मल एलसीडी डिस्प्लेस होते हैं वो 5.8 मिलियन टाइम्स फ्लिकर करते हैं 8 आवर्स में, तो ये फ्लिकर फ्री है, इससे आपके आइज को यार ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। गाइस काम करते समय और भी आइज को कंफर्ट देने के लिए जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हम लोग अभी देखते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान 5.7 आवर्स वर्क करता है स्क्रीन के साथ आजकल। आइज के ऊपर का स्ट्रेन कम करने के लिए ऑब्वियसली आइज को रेस्ट देना जरूरी है, बट एक और उसका वे है, वो है सफिशियंट लाइटिंग के साथ, जहाँ पे ये स्क्रीन बार काम आता है। यह है स्क्रीन बार का प्लस वाला मॉडल, जो कि डायल के साथ आता है एक।
इसको हम लोग अभी देखते हैं। काफी यूनिक चीज लगती है मुझे ये। गाइस काफी ज्यादा खतरनाक चीज दिख रही है मुझे। ये डायल काफी मस्त लग रहा है। वाओ वाओ, यह है एक्चुअली स्क्रीन बार। गाइस इसको पावर करना तो काफी इजी है, बस कोई भी यूएसबी प्लग में लगा दो इसको। गाइस इस वाले स्क्रीन बार को इंस्टॉल करना काफी ज्यादा इजी है, रख दो इसे, हो गया काम। गाइस कोई डैमेज नहीं आएगा आपके मॉनिटर को, काफी ज्यादा इजी इंस्टॉलेशन है। और इस वाली को चालू करना भी इजी है, इसके साथ एक डायल आता है ये स्क्रीन बार प्लस है इसलिए सीधा। भाई क्या मस्त चीज है यार, यहाँ पे अगर आपको रख के कुछ काम वगैरह करना है तो यहाँ पे रख के आप इजीली यार कुछ भी कर सकते हो। सफिशियंट लाइटिंग है जिसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो ये डायल के मदद से। इसका टेम्परेचर भी आप कम कर सकते हो लाइट का, फ्रॉम वार्म टू वेरी कूल। मस्त है यार। या फिर अगर आपको इसका झंझट ही नहीं चाहिए तो यहाँ पे यार ऑटो एडजस्टिंग ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर भी एक बार दबा दो और खुद डिटेक्ट कर लेगा कि क्या अच्छा आपके लिए, और वो लगा देगा। ये भी काफी बढ़िया चीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस स्क्रीन बार को आप पावर कर सकते हो कोई भी यूएसबी पोर्ट से। गाइस अगर ट्रेडिशनल लैंप्स हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे ऐसे मॉनिटर्स पे तो उससे ग्लेस वगैरह आते हैं और उल्टा यार कंफर्ट देने के जगह यार उल्टा डिस्कम्फर्ट दे जाएंगे वो। इस स्क्रीन बार के अर्गोनॉमिक डिजाइन की वजह से जहाँ पे लाइट आनी चाहिए वहां तक ही लाइट आती है और स्क्रीन पे ग्लेस भी नहीं आते। इस वाले स्क्रीन बार का गाइस लाइफ स्पैन है 50,000 आवर्स। अमेजोन पे काफी सारे काउंटरफीट चाइनीज प्रोडक्ट से सिमिलर वाले लेकिन उनकी क्वालिटी खराब आती है, लेकिन बेंक्यू एंश्योर करता है हाईएस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी। गाइस दोनों भी ये प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चेकआउट करना तो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक देना मत भूलिए। बाय।